अपोजिशन जितनी पार्टियां वहां थी उसने एक साथ लड़ने का संकल्प लिया। वो अगर दावा कर रहे हैं कि मोदी जी 300 सीट लाके फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब कि मोदी जी 2024 में विदा हो। नमस्कार, इंसाइड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी और अमित शाह पे हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले प्रेस की आज़ादी हुआ करती थी, लेकिन अब बीजेपी के शासन में जो है प्रेस की आज़ादी जो है बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जितने भी जो तंत्र हैं उसे दुरुपयोग करती है बीजेपी। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, पहले वो आप सुनिए। अगर उन्होंने यह भविष्यवाणी किया है कि 300 सीट जीतकर मोदी जी फिर से सत्ता में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मोदी जी हार रहे हैं, क्योंकि 2015 में विधानसभा में बिहार के विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो 3 महीना अमित शाह जी यहां रहे थे और उन्होंने यह भविष्यवाणी किया था कि जिस दिन गिनती होगी उस दिन 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी। 53 सीट मात्र जीते। पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हो रहा था तो ममता दीदी के खिलाफ लड़ रहे थे और 2/3 बहुमत से बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे और परिणाम यह हुआ कि ममता दीदी को उसके पहले वाले चुनाव में जितनी सीट आई थी उससे ज्यादा सीट आ गई। हिमाचल का जब चुनाव हो रहा था अमित शाह जी दावा कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, चुनाव हार गए। कर्नाटक का चुनाव हो रहा था, उन्होंने कहा 2/3 बहुमत से हम कर्नाटक में सरकार बना रहे, चुनाव हार गए। तो वो अगर दावा कर रहे हैं कि मोदी जी 300 सीट लाके फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब कि मोदी जी 2024 में विदा होंगे। आज अगर कोई आपके खिलाफ एक शब्द बोलता है तो उसके यहां सीबीआई और ईडी का छापा पड़ने लगता है। इमरजेंसी के दौरान कभी इंदिरा गांधी ने सीबीआई और ईडी का और इनकम टैक्स का इस्तेमाल नहीं किया था, हम लोग भी जेल में थे। आप तो आज वो काम कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सारी संस्थाओं को नियंत्रित करके अपने पॉकेट में रखे हुए। आज तो बदतर स्थिति है, आज तो पूरा देश का जो लोकतंत्र है खतरे में है, आज देश की स्वतंत्रता खतरे में है। तो आज जो हम आपके खिलाफ लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं और उसमें कांग्रेस हमारे साथ है। तो आपने साफ तौर पर सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमित शाह पहले भी बोलते थे कि कर्नाटक चुनाव हम जीत रहे हैं, बहुमत ला रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें करारा जवाब मिला। उसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश को लेकर भी कहा है कि आंध्र प्रदेश में भी कहते थे अमित शाह कि हम यहाँ पे चुनाव जीतेंगे, लेकिन वहाँ भी आ रहे। तो अभी अब वो कह रहे हैं कि 300 पार हम इस बार चुनाव में जो सीट है वो लाएंगे। तो इस बार साफ तौर पर मैं उनको बता दूँ कि यहाँ भी उनको मुँह की खानी पड़ेगी। फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इनसाइड लाइव। नमस्कार।